मित्रों नमस्कार, लक्ष्य रियस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, आज का बड़ा मुद्दा है और मुद्दा क्या है, करंट अफेयर्स। जाहिर सी बात है कि करंट अफेयर्स का वेटेज इतना ज्यादा है, हर एक एग्जाम में समीक्षा अधिकारी बहुत नजदीक है, पीसीएस भी लगा हुआ है और आईएएस भी लगा हुआ है और वनडे एग्जाम्स ढेर सारे लगातार आते रहते हैं और सभी एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बन रहा है वो करंट अफेयर से बन रहा है। और करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत बोझिल लग रहा है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स में कैसे ज्यादा क्वेश्चन कर पाएं और करंट अफेयर्स से अच्छे नोट्स कैसे बना पाएं। तो आज जो हम लेके आए हैं मुद्दा समझाने का प्रयास करेंगे वो कि करंट अफेयर्स पढ़ें किस तरह से और किस तरह से सबसे ज्यादा नंबर आप करंट अफेयर्स में ला सकते हैं। तो मित्रों ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा। और आने वाला जो आरओ एआरओ एग्जाम है, क्योंकि टारगेट हमारा आरओ एआरओ एग्जाम है और साथ में पीसीएस अपने आप टारगेट हो जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ना क्यों जरूरी है, करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे, आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पे और देखते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए सफलता की गारंटी कैसे मिलेगी, उसके लिए आपका करंट अफेयर्स दिलाएगा। आपको हमने पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से करंट अफेयर्स का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अगर करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है ना। एक सूचना और भी देनी है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट है। आप चाहें तो 92-36-57-57-73 नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं मुद्दे की और मुद्दा है ये कि नोट्स कैसे बनाए। करंट अफेयर्स सबसे पहले तो ये होता है ना कि करंट अफेयर्स को पढ़े कैसे और करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा नंबर लाए क्यों, कैसे लाए। और उस के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स का मुद्दा है वो जो नोट्स हैं वो हमें अच्छे नंबर दिलाएंगे। और ये नोट्स हम कैसे बनाएं, नोट्स क्यों बनाना जरूरी है, क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, आज इन तीनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले मैंने कहा कि करंट अफेयर्स को पढ़ते समय आप किस तरह से पढ़ते हैं और नोट्स क्या हैं, मतलब क्या होते हैं, नोट्स क्यों बनाना चाहिए। भाई मैंने आपको कहा कि आप दर्पण पढ़ लीजिए, क्रॉनिकल पढ़ लीजिए, घटनाचक्र पढ़ लीजिए, आपने पढ़ तो सब लिया, लेकिन अब तीनों में अंतर क्या है, तीनों में डिफर क्या है, तीनों से अलग यूनिक चीज क्या मिली आपको नहीं पता, ठीक है ना। नोट्स इसलिए बनाने जरूरी हैं, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स इसलिए बनाने जरूरी हैं कि कम से कम समय में आप उसका रिवीजन कर सकें, एक बार नहीं दो बार तीन बार पढ़ सके जिससे वो कंठस्थ हो सके, एग्जाम में वो याद आ सके और आराम से आपके अच्छे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आप टेकल कर सके, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि नोट्स इस तरह से होने चाहिए कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। इनको नोट्स का नाम तो दिया जाता है लेकिन ध्यान रखना बुक से बहुत कम होना चाहिए। जो आपकी बुक होती है, पुस्तक होती है, जो भी आप मैटर पढ़ते हैं उससे कम शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, उससे कम में। और कम में कैसे बना पाएंगे, जब तक उस मुद्दे को पूरी तरह से आप समझेंगे नहीं और जब तक मुद्दे को समझ नहीं लेंगे तब तक आप उससे पॉइंट निकाल कैसे पाएंगे। मैं आज आपको एक नोट्स बना करके दिखाऊंगा कि देखना, 5 पेज का दर्पण प्रतियोगिता दर्पण आती है अक्टूबर महीने का, 41-42-47 पेज का मैंने निकाला है, उस पेज को शॉर्ट में कैसे करेंगे, मैं इसी में लगाया हूं अभी आपको, उसको भी दिखाऊंगा। क्यों बनाना चाहिए, आपको पता ही है कि अगर आपको सफलता लेनी है तो ज्यादा मैटर को कम समय में पढ़ना चाहिए, पढ़ना होता है। और पढ़ेंगे कब, जब ये आपको जो है आपके नोट्स तैयार होंगे। क्यों, क्योंकि परीक्षा के समय पे एक महीने पे इतना प्रेशर आता है, एक महीने के अंदर इतना प्रेशर आता है, आप समझिए 15-15, 10-10, 15-15, 20-20 घंटे तक आप निकल जाता है, नींद ही नहीं आती है। तो उस समय पे वो शॉर्ट नोट्स लगातार रिविजन करना चाहिए, क्योंकि मोटी मोटी बुकें आप एक साथ रिविजन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको लगातार नोट्स रिविजन करेंगे तो कभी कभी ये होता है कि अगर आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे बने हुए हैं तो कम पढ़ने पर भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये विश्वास करिए, ये मेरी जो है अनुभव की बात है कि अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं और आप सिर्फ नोट्स पढ़ लेते हैं, 2-3 बुकों से आपने कंपाइल करके बनाया है 2-3 महीने में मेहनत करके, तो वो आपको आपकी परीक्षा पास करा देते हैं। मुद्दा आता है बनाए कैसे, ठीक है ना, कैसे बनाना चाहिए नोट्स। देखिए नोट्स बनाते समय सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले तो जो बुक कॉपी आपको अपनानी है वो कॉपी कम से कम इतनी होनी चाहिए, कम से कम 200-250 पेज का एक आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इतना मोटा रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना, 200-250 पेज का इस तरह का आप रजिस्टर लीजिए और इसमें बढ़िया सुंदर सुंदर यहाँ लिखिए हिस्ट्री, इतिहास,
या जो है ज्योग्राफी, भूगोल या करंट अफेयर्स या समसामयिक की घटना चक्र, एक करंट मतलब एक सब्जेक्ट का एक नोट्स आपके पास में होना चाहिए, 250 पेज का होना चाहिए। और जैसे करंट अफेयर्स लिखते हैं तो करंट अफेयर्स को मंथली, मंथ जून ठीक ना, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, और उसके नीचे उसकी घटनाएं, और घटनाएं लिख कब पाएंगे, सबसे बड़ी समस्या होती है सर उसमें लिखें क्या। लिखेंगे तब जब आप इस बुक को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए दर्पण आपके सामने है और मैं इस दर्पण, मेरे पास में कई दर्पण हैं, मैं इन दर्पणों का पूरा निचोड़ भी बताऊंगा कि ये दर्पणों को आप पढ़ने के बाद में आप दूसरी बुक भी पढ़ सकते हैं। आप चार बुकों को, चार करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ेंगे, चार करंट अफेयर्स को पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है, कम से कम एक को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जब एक अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो फिर अगले वाले को पढ़ने में समझ में आएगा कि इससे इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या ज्यादा है, उसको कैसे हम इसमें अपने नोट्स में इसको समाहित करें, ठीक है मित्रों। तो ध्यान रखना, नोट्स बनाना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटी मोटी बुक एक साथ आप ले नहीं जा सकते, एक साथ आप पढ़ नहीं सकते हैं, और पेज पलटने में भी टाइम लगता है, आप उस टाइम को भी बचा सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि देखिए एकदम छोटा सा नोट्स है, इसकी मैं भी डिस्प्ले भी करूंगा, ये छोटा सा नोट्स बनाया मैंने खुद बना करके आपको दिखा रहा हूं, और ये नोट्स अभी देखिएगा पूरा का पूरा जितना भी 6 से 7 पेज में दर्पण में लिखा हुआ उसको हमने एक पेज में समाहित कर दिया है, और एक पेज फिर भी ब्लैंक है, आप इधर भी आप लिख सकते हैं। तो 20 पेज का, 15 पेज का नोट्स आप एक पेज में कैसे लिखेंगे उसकी पूरी कला हम बताएंगे और पढ़ेंगे, और देखिएगा कि किस तरह से आप उसको शॉर्ट नोट्स में कर सकते हैं। ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स बनाते समय एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको अच्छे पेनों का प्रयोग तो करना है, ठीक है ना, साथ साथ में आपको चार्ट बना करके इसको बनाना चाहिए, मैप लगाना चाहिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, डायग्राम बनाना चाहिए, और डायग्राम से आप इसको याद कर सकते हैं, और साथ में आप इसमें सुंदर सुंदर पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपकी राइटिंग स्किल भी सुधरेगी, बहुत अच्छे से आप लिख भी पाएंगे, क्योंकि कोई भी अच्छे एग्जाम को बिना निबंध के आप नहीं पास कर सकते, तो निबंध लिखने के लिए आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, राइटिंग भी आएगी, और एक मुद्दे को जब एक बार आप हाथ से अपने लिख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा खुद का अनुभव है, और आप अनुभव करके देखिएगा क्या मेरी बात सही है, तो अगर सही है तो उसको आप अनुपालन कर लीजिएगा। चलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं और बताता हूं आपको ये नोट्स। देखिए एक ये जो है घटना आई थी प्रतियोगिता दर्पण में 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में संपन्न, ये सारे लोगों ने अच्छे से समझी होगी, इसको पढ़ा होगा, और ध्यान रखना इससे बहुत क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। ये घटना जो है 22वें राष्ट्रमंडल खेल की है और इसका उद्घाटन हुआ था 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में। अब ये कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड का क्षेत्र है, इंग्लैंड का एक शहर है, वहां पर संपन्न हुआ था। अब इसमें पूरी जानकारी आपको राष्ट्रमंडल खेल की मिल जाएगी, इसमें यह भी है कि यहां से कौन सा दल गया, उसके अध्यक्षता किसने की, यहां से कितने खिलाड़ी गए, कितने खेल में शामिल हुए, कौन सा खेल था जो पहली बार शामिल किया गया, और कितने खिलाड़ी जो है इसमें पार्टिसिपेट करके स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य पदक जीते, कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर था, कौन से बाद में स्थान पर था, जीतने के बाद स्वर्ण पदक वाले को कितना पुरस्कार दिया जाता है IOC तरफ से, ठीक है ना, ओलंपिक संघ की तरफ से, और रजत पदक वाले को कितना पुरस्कार दिया जाता है, ये सारी चीजें हैं। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ी इस राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिए थे, तो ये सारा चीजें हम आपको देखेंगे और समझेंगे कि इसका शॉर्ट नोट कैसे आप तैयार करेंगे। अब देखिए मुद्दा यह है कि आप इस पूरे को शॉर्ट नोट से मतलब आधे पेज में कैसे तैयार करेंगे, मान लीजिए आधे, अगर आपने इसको पूरा पढ़ा तो इतने आधे पेज में इसको पूरा समेट के कैसे तैयार करेंगे, ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप नोट्स नहीं तैयार कर पाते, नोट्स नहीं तैयार करने की वजह से एक साथ रिवीजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्वेश्चन कम आप हल कर पाते हैं किसी भी एग्जाम में और फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, आप ध्यान रखिए, देखिए इसमें सारी चीजें लिखी हुई, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदक कितना है, कुश्ती में सबसे ज्यादा है 12, 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, 5 कांस्य पदक है, उसके बाद में टेबल टेनिस से है, भारोत्तोलन से है, मुक्केबाजी से है, बैडमिंटन से है, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने लोग शामिल हुए थे, उत्तर प्रदेश के 12 खिलाड़ी थे, 2 पदक जीते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो इधर देखेंगे कि ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, कितने इस राष्ट्रमंडल में कितने पदक जीते गए थे 61, लेकिन इसके पहले वाला जो है खेल हुआ था उसमें कितने जीते गए थे, तो उसमें इससे कम जो है पदक थे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पता चलेगी। और साथ में लिखेगा, देखिए यहाँ पर नई दिल्ली में ओलंपिक संघ नगद पुरस्कार कितना देता है, तो यहाँ पर देखिए 20-20 लाख रुपए किसको है, स्वर्ण पदक वाले को, स्वर्ण पदक वाले को 20-20 लाख रुपए, रजत और कांस्य को क्रमशः 10 लाख और 7.5-7 लाख रुपए IOA देता है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना इसमें एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुश्ती में कौन कौन से खिलाड़ी है, नाम पूछने चाहे, बजरंग पुनिया का संबंध किससे है,
ठीक है ना, नाम पूछ लेता है कि शरद कमल का संबंध किससे है, किस खेल से है, तो आपको लगता है कि साला ये कहां से क्वेश्चन पूछ लिया और ऐसे कैसे हम याद कर पाएंगे। तो मित्रों ये पूरा का पूरा एक आधे पेज में कैसे आपने समाहित किया, मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका। और बहुत कुछ इसमें आपको मिस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो खबर है उसको आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक खबर और भी है कि भारत में अभी रामसर साइटों का उल्लेख बहुत लगातार चर्चा में है। रामसर साइट देख लीजिए कि अवर स्वतंत्रता के बाद से आज तक देखेंगे तो 75 रामसर साइट आर्द्र भूमि को शामिल कर लिया गया है सूची में, ठीक है ना। और इन रामसर स्थलों से क्वेश्चन बहुत बनता है। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि 75 साइटें क्या है, इसका ये रामसर क्या है, रामसर में ये समझौता कब हुआ, भारत कब इसमें शामिल हुआ, और भारत के कितने क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश के कितने हैं, जो आपको सबसे ज्यादा याद रखने की बात है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब देखिए ये पूरी की पूरी यहां से ये न्यूज इतनी है और इतनी न्यूज यहां इतनी बड़ी है। अब इतनी बड़ी न्यूज को आप चार लाइन में कैसे समेटेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये तरीका आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा, और इस तरीके को आपको जो है अगर आप फॉलो कर लिए तो मैं बता रहा हूँ बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें आपके इतने पतले नोट्स में समाहित हो जाएंगी, और किसी से भी आप बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको सुना सकते हैं और बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए ये है पूरा नोट्स, जितना हमने अभी आप उसको दिखाया उधर, उतने में ये सारे नोट्स इसमें आ गए, और मैं अगर चाहूं मैं इसमें पूरा का पूरा आपको डिफाइन कर सकता हूं, बता सकता हूं कि भाई देखिए सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, वो सारा 5 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है, 22वीं राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड 22 जुलाई 8 अगस्त 2022 से संपन्न। अब देखिए इसमें तीन चीजें आ गई, क्या राष्ट्रमंडल कौन से हैं, 22वें हैं, ठीक है 22वीं राष्ट्रमंडल है। अब 22वें राष्ट्रमंडल के साथ में आप देखिए कहां संपन्न हुए, बर्मिंघम में, ये कहां पड़ता है इंग्लैंड में, और 22 जुलाई से 8 अगस्त तक ये संपन्न हुए 2022 में, ठीक है ना। चार चार वर्ष में होते हैं, 11 दिन चले, 20 खेलों को समाहित किया गया। आप देखिए एक लाइन में सारी चीजें वो आ रही हैं जो आपने वहां बड़े विस्तार से समझी थी, और इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, इसी को जाके रिविजन करके दे आइए। मैं बता रहा हूं 100% आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, कोई भी सारा क्वेश्चन बहुत सही होगा। और रिवीजन करने में देखिए एक पेज में 5 पेज की घटना एक पेज में आ गई, ऐसे जैसे आप डालेंगे कुश्ती में 6 याद आ जाएगा, और कुश्ती में 100 पदक 6 मिले थे अब की बार में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पूरा का पूरा देखिए भारत के कुल कितने 215 लोग शामिल थे, जिसमें 108 पुरुष 160 महिलाएं थी, जिन्होंने 12 खेलों में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर था, 178 पदक जीते थे, इंग्लैंड का दूसरा नंबर, कनाडा का तीसरा, भारत का चौथा नंबर था जिसने 61 पदक जीते थे। तो कितना इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, महिला क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बर्मिंघम राष्ट्रमंडल में महिला क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ था, और शुभंकर क्या था, बुल था, ठीक है। 4 वर्ष पहले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल 66 पद जीते थे, इसके पहले जो 4 साल पहले राष्ट्रमंडल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है बर्मिंघम, सॉरी गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी शहर है, ठीक है ना, वहां संपन्न हुआ था, वहां 66 पद जीते थे। क्यों जीते थे, क्योंकि इसमें एक खेल था निशानेबाजी, निशानेबाजी शामिल था, और ध्यान रखना निशानेबाजी 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में शामिल नहीं था, इसलिए माना जाता है कि भारत इससे अच्छा प्रदर्शन किया है और जो है अच्छे पदक जीत करके यहां आया। इस खेल में भारत का प्रदर्शन पिछले की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। राजेश भंडारी, देखिए ध्यान रखिएगा ये है राजेश भंडारी, उप मुख्य मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं, ये भारतीय दल के प्रमुख बनाए गए हैं। बहुत क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं और यही से उठा करके रख देते हैं, आप कंफ्यूज में गलत कर जाते हैं। देखिए पढ़ा सब कुछ होता है, कंफ्यूजन क्यों हो जाती है, क्योंकि आपने विधिवत नहीं इसको पढ़ा और समझा और याद किया। क्या, अब जैसे अगला है भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, उद्घाटन के समय पर नीरज चोपड़ा थे, और समापन के समय शरद कमल और निकहत जरीन थी। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, दोनों स्वर्ण पदक विजेता थी, शरद कमल टेबल टेनिस से है और निकहत जरीन मुक्केबाजी से है। जीते गए पदक स्वर्ण पदक कितना, कुश्ती में 6 सर्वाधिक जो इस बार स्वर्ण पदक मिले हैं 22वें राष्ट्रमंडल में, तो सर्वाधिक किससे मिले हैं, कुश्ती से मिले हैं। फिर टेबल टेनिस से सर्वाधिक स्वर्ण पदक 4 मिले हैं, भारोत्तोलन से 3 मिले हैं, मुक्केबाजी से 3 मिले हैं, बैडमिंटन से 3 मिले हैं। सर्वाधिक जो मिले हैं पदक वो कुश्ती में ही मिले हैं।
तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, क्यों? एक लाइन पे ही आपने इसको बना करके लिख लिया। और मित्रों मैं इसको खुद बना करके मैंने आपको दिखाया है, लिख करके दिखाया, क्यों इस तरह से, क्योंकि बहुत मित्रों के दिमाग में यह है कि सर कैसे बनाए शार्ट नोट्स, हमको तो सारा का सारा बहुत अच्छा लगता है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट लगता है। तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको दो बार पढ़िए पहले, और पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज इजी वे में याद हो रही है, कौन से रिविजन मांग रही है। जो रिविजन मांग रहे उसको याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से कितने खिलाड़ी थे? देखिए 12 खिलाड़ी थे, 2 पदक मात्र जीते हैं, तो इसको अलग से आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरी खबर जो है, दूसरी जो सूचना है, दूसरा इंफॉर्मेशन जो है करंट अफेयर्स है, वह है रामसर स्थल। इसको भी देखिए 3 लाइन में आ गया, और वहां पर कितना आपने देखा था, पूरा का पूरा 2 पेज में गया था। अब 3 लाइन में आया, देश में अर्धभूमि वेटलैंड को रामसर स्थल के नाम से मान्यता प्रदान की गई। कब मान्यता प्रदान की गई? जुलाई 2022, भारत में 1982 में यह रामसर संधि में शामिल हुआ था। मतलब एक रामसर साइट, रामसर संधि हुई थी, उसमें भारत 1982 में शामिल हुआ था, और वर्तमान में इसमें 75 स्थल शामिल हैं, 75। और ध्यान रखना ये जुलाई 22 से जुलाई अगस्त 13 तक ये इतने बढ़ गए, पहले 54 थे, और कब 26 जुलाई को इसमें 5 शामिल किए गए, 16 अगस्त को इसमें 64 शामिल किए गए, 13 अगस्त को इसमें टोटल मिलाकर के 75 हो गए। तो मतलब 5, 10, 11 शामिल करके आज की डेट में आपके पास 75 है। और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के सारे याद कर लेना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार आपको पता ही है, उन्नाव में है, पार्वती अरंगा हो गया, समान पश्चिम बिहार हो गया, सांडी हो गया, सरसई नवा झील हो गया, ऊपरी गंगा नदी हो गई, समस्तपुर हो गया, सूर सरोवर हो गया, अपर नीरा वन्य जीव अभ्यारण हो गया, और हैदरपुर वेटलैंड हो गया। इतने चीजें आपके पास में है, और ध्यान रखना यहीं से आपका जो है क्वेश्चन पूरा बन जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो सर्वाधिक रामसर साइट 14 है तमिलनाडु में, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कितनी है, द्वितीय स्थान है, पहला स्थान तमिलनाडु का है, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में ये सारी लिखी हुई है 10 हैं। क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, ऐसे ही बनता है। आप सोचते हैं सर इतना आप 75 कैसे याद कर पाएंगे, 75 याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने हैं तो आप बताइए 10 हैं। कौन कौन से हैं ये बहुत इजिली याद हो सकता है। मेरी अगर वीडियो आप लगातार यूपी की देख रहे हैं तो ये सारी साइटें अभी तीसरे चौथे लेक्चर में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मित्रों एक सूचना और भी देनी थी कि अभी आपने देखा है कि अभी कल जो है पेपर हुआ था हाईकोर्ट का, और मैंने एक ही लेक्चर लिया है विशेष विशेषण से, उसमें से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे, सीधे सीधे क्या थे, थोड़ा टेढ़े थे, और आपको आपको याद होगा कि आपने अगर अच्छे से उस वीडियो को देखा था मेरा विशेष विशेषण का, तो दोनों बहुत इजीली संपन्न हुए थे। उसमें सेकंड क्वेश्चन जो आया था थोड़ा सा कठिन था, उसमें दिया था विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को डॉट 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 कहते हैं, अब डॉट 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 कहते हैं सारे लोगों ने उसमें विशेष से लिखा है, ठीक ना। काफी मित्रों के मेरे पास में मैसेज भी आए थे, लेकिन वो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं, उसमें तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, मेरा वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं। तो मित्रों कैसी लगी करंट अफेयर्स की ये जो है क्लास, करंट अफेयर्स नोट्स बनाने का तरीका? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।